वेलकम टू माय चैनल दिग्गी आयावर। ये है मेरी कश्मीर सीरीज की पहली वीडियो जिसमें मैं आपको घुमाऊंगा गुलमर्ग की हसीन वादियों में। तो चलिए थोड़ा शुरू से शुरू करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। दिल्ली से करीब 1.5 घंटे की फ्लाइट के बाद अब हम आ पहुंचे हैं श्रीनगर। अगर आप चाहें तो ट्रेन और बस के कॉम्बिनेशन से भी श्रीनगर पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। जम्मू से श्रीनगर का डिस्टेंस 265 किलोमीटर का आप बस में 7.5 घंटे और टैक्सी में 6.5 घंटे में कवर कर सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर एयरपोर्ट, जहां पहले से हमारा टैक्सी ड्राइवर बाहर हमारे लिए वेट कर रहा है। हमने पहले से ही पूरे कश्मीर टूर के लिए टैक्सी बुक करवाई हुई थी। एयरपोर्ट से श्रीनगर सिटी सेंटर के लिए टैक्सी पूरे दिन अवेलेबल है। एयरपोर्ट पे JKSRTC का काउंटर भी अवेलेबल है, जहाँ से रेगुलर इंटरवल पे मिनी बसेस श्रीनगर बस स्टैंड के लिए चलती हैं। एयरपोर्ट से सीधे हम निकल पड़े गुलमर्ग की ओर, क्योंकि आज का हमारा नाइट स्टे है गुलमर्ग में। श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी है लगभग 60 किलोमीटर, जिसे कवर करने में गाड़ी में हमें लग सकते हैं 2 से 2.5 घंटे। गुलमर्ग की तरफ जाते हुए रास्ते में हम रुके एक रेस्टोरेंट में, जहाँ हमने चाय की चुस्की के साथ साथ कश्मीरी दम आलू और कश्मीरी पुलाव का भी लुत्फ उठाया। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करूं, टैक्सी मैंने पहले सीट भी बुक करवाई थी 5 दिनों के लिए, जिसके लिए मुझे देने पड़े 10,000। सड़क के दोनों तरफ बर्फ देखते देखते थोड़ी देर बाद हम आ पहुंचे थे गुलमर्ग। गुलमर्ग टैक्सी स्टैंड पे ही कुछ शॉप्स हैं, जहां से हमारे ड्राइवर ने ज्यादा ठंड होने की वजह से हमें ओवरकोट और गमबूट्स रेंट पे दिलवाए। ओवरकोट और गमबूट्स का एक दिन का रेंट मुझे पड़ा था 600 रुपीज। अब मैं पहुंच चुका था अपने होटल खलील पैलेस में, जो कि मैंने पहले से बुक करवाया था। ये होटल मुझे 3000 पर डे में पड़ा, जिसमें कि ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड था। इंक्लूड वाला आप जरूर देखें, बिकॉज शाम के बाद यहाँ पे सारा मार्केट बंद हो जाता है और आपको खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत आ सकती है। सबसे अच्छा तरीका है ठंड में आप जब भी आए लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर वाले ऑप्शन जरूर इंक्लूड करें। आ गए रूम में हम, रूम से हमारा व्यू। ये होटल है मेरा खलील पैलेस, सेंटर में हीटिंग है। अगर आप इस मौसम में आ रहे हैं नवंबर, ये अभी चल रहा है, दिसंबर जैन फेब, सेंटर में हीटिंग आप पक्का देखें। ऊपर आई बटन में मैंने होटल का फुल वीडियो लिंक डाला है। बर्फ और बर्फ, स्नोफॉल हुआ था लास्ट वीक यहाँ पर, अभी माइनस में बता रहे हैं थोड़ी हमें जाएगा। उस साइड है गंडोला, जो कि ज़्यादा फेमस है यहाँ के लिए। कल का प्लान है, आज जो नाइट स्टे है गंडोला जाएगा, ऊपर पहुँचाएगा हमें होटल। कपड़े बहुत ज़्यादा लाएंगे। गुलमर्ग एक रात आप रुके, ज़्यादा अच्छा है। आज ही मैं लैंड किया श्रीनगर, 2 घंटे 2.25 घंटे गए, क्योंकि बीच में लंच किया, सीधा यहाँ पर आया। वेज पीपल्स, बहुत सारे वेज रेस्टोरेंट्स हैं रास्ते में भी, जो थोड़ा बस स्टैंड एरिया है। वैसे टॉवर से थोड़ा सा पीछे डिनर में बूफे सिस्टम था, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे। होटल स्टाफ ने हमें बताया कि यहाँ मैक्सिमम होटल्स और रिजॉर्ट में वेज ऑप्शन तो सब में रहता ही है। डाइनिंग हॉल में एंटरटेनमेंट के लिए एक बड़ा सा टीवी भी लगा हुआ है। श्रीनगर जाएंगे हम आज।
ब्रेकफास्ट मेन्यू में था आलू पराठा, इडली सांबर, पोहा, दलिया, नॉनवेज में बॉइल्ड एग, साथ में टी और कॉफी। डे टू गुलमर्ग। आज हम जाएंगे यहाँ की फेमस गोंडोला राइड। गोंडोला स्टेशन जस्ट मेरे पीछे, उस तरफ जा रहे हैं। टिकट ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर ऑफ सीजन है तो डायरेक्टली जाके ले सकते हैं, जैसे ही मैंने किया। ये आपको वो पीक तक लेके जाती है। दो फेज है, फेज वन 740, फेज टू एक्स्ट्रा 950, मीन 750 प्लस 950 अगर ऊपर तक हम जाते हैं। बट इस मौसम में जब यहीं पड़ी है स्नो, फेज फर्स्ट मुझे लग रहा है बहुत होगा। चल के देखता हूँ। ये हम यहां से लेंगे फेज वन के लिए। मिनट की गोंडोला राइड के बाद हम पहुंचे फेज वन, जिसे कि कोंगडोरी भी कहा जाता है। गोंडोला का फेज वन स्टेशन 10,000 फीट की ऊंचाई पे बना है। फेज वन से ही आपको फेज टू के लिए गोंडोला बदलना है। फेज टू, जिसे कि अफारवत पीक भी बोलते हैं, उसकी हाइट 13,000 फीट है। फेज वन में करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन थे, पहला स्कीइंग, दूसरा स्नो स्कूटर और आखिरी में स्लेज राइड। हमने सबसे पहले शुरुआत की स्कीइंग से। स्कीइंग करा है बिगिनर वाला, छोटा सा ट्रैक है। भैया बड़ा सांस फूल जा रही है, वापस जा रहा हूँ एक थोड़ा नीचे तक जाने के लिए। ऊपर मेरे इंस्ट्रक्टर जो मुझे सिखा रहे हैं वेट कर रहे हैं। प्राइस भी मुझे सही लगा, नेगोशिएट किया टीचर के साथ 1,000 रुपीज़। उसने तो बोला कितना भी कर लो, बट आधा पौना घंटा मुझे लग रहा बहुत होगा। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको प्योर वेज खाना मिल सकता है। तो इतनी बर्फ के बीच एक चाय तो बनती है। हमारे गाइड ने बताया इस कुएं की ये खासियत है कि यहाँ कितना भी बर्फ पड़ जाए, इस कुएं का पानी कभी नहीं जमता। और अब एक छोटे से टी ब्रेक के बाद हमने हायर किए हैं दो स्नो स्कूटर्स। स्नो स्कूटर्स का यहाँ चार्ज स्टार्ट होता है 1,200 रुपए पर पर्सन से लेके 2,000 रुपए पर पर्सन। और एक स्कूटर पे एक ही आप आग में जा सकते हैं, क्योंकि एक वो चलाने वाले होंगे। चार ऑप्शन है, पॉइंट K1, K2, K3 एंड K4। पॉइंट K1 थोड़ा पास है, K4 थोड़ा सा ज्यादा दूर है। तो मैंने दो स्कूटर लिए पॉइंट K1 के लिए 2,400 रुपए में। स्कीइंग की तरह मैं भी यहाँ नेगोशिएट करना चाहता था, बट प्राइसेस एकदम फिक्स है। K1 पॉइंट तक की राइड में मुझे लगे 10 से 12 मिनट। आप भी चाहें तो K1 पॉइंट तक आके भी राइड का मजा ले सकते हैं। यहाँ से व्यूज बहुत ही सुंदर है और लेह की पहाड़ियाँ एकदम साफ सामने दिखती हैं। करो करो सर। अपने फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टा पेज के लिए पोजेस देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये थोड़ा सा स्नो स्कूटर पे हाथ साफ करता हुआ आपका होस्ट यानी कि मैं दिग्गी आया हुआ।
ये स्नो स्कूटर की राइड मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई और मैं पक्का रिकमेंड करूंगा कि आप लोग आए तो इसको जरूर ट्राई करें। A1 पॉइंट पे करीब 15 से 20 मिनट बिता के और बहुत सारी फोटोज खिंचवाने के बाद अब वो हमें वापस ले आए हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्नो स्कूटर से उतरते ही हमें मिले स्लेज वाले लोग। एक स्लेज का इन्होंने हमसे मांगा था 400 रुपए, जो थोड़े आगे तक ही हमें पॉइंट पे लेके जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, आप यहाँ कैश लाएं, गूगल पे, पेटीएम, कार्ड यहाँ कुछ नहीं चलेगा। मजा आ गया। ले जाओ नीचे भी आओ। फेज वन में घूमने के बाद अब हम वापस चल पड़े हैं गंडोला पकड़ के गुलमर्ग की तरफ। अब हम जा रहे हैं शिव जी के एक मंदिर में, गुलमर्ग मार्केट के बहुत ज्यादा पास है। फेमस है क्योंकि 1990 की एक बहुत फेमस फिल्म आपकी कसम का गाना जय जय शिव शंकर काटा लगे ना कंकर यही शूट हुआ था। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालना, लाइक करना मत भूलिएगा। 2 दिन का हमारा गुलमर्ग का ट्रिप यहाँ पे हुआ है खत्म। हम अब लोग जा रहे हैं श्रीनगर। हम लोग अगले 4 दिन श्रीनगर में रुकेंगे क्योंकि वहां से हमारा प्लान है 1 दिन का ट्रिप फुल डे श्रीनगर घूमने का। 1 दिन हम जाएंगे सोनमर्ग और 1 दिन हमारा दिन है पहलगाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।